आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग किसी भी सेलेक्टेड रो को हाईलाइट करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ड्रॉपडाउन मेन्यू से जो भी डेटा सेलेक्ट हुआ था उस रो को हाईलाइट करना सीखा था, लेकिन अब सिंगल एक क्लिक पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रो के डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए ये किस तरीके से होगा इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस तरह का एक फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, तो आप लोगों को एक डेवलपर टूल चाहिए होगा, है ना। ये जो डेवलपर टैब दिया हो वो आना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को फाइल पे जाइएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देगा। ऑप्शंस में आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन होगा और यहाँ से आप डेवलपर टूल को, अगर ये अनटिक होगा तो इसको टिक करके ओके कीजिएगा, तो आपका डेवलपर टूल स्क्रीन पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक रो नंबर, जैसे इस पे क्लिक होने से क्या होना चाहिए, रो का डेटा जो है किस रो पे है डेटा, है ना, वो आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ क्लिक करने पर चेंज हो रहा है, तो ये किस तरीके से होगा, बस आप क्या कीजिए, कहीं पर भी कुछ सेल रो नंबर लिख लीजिए और इस सेल एड्रेस को बस याद रखना है। तो ये हमारा जी क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद आपको डेवलपर टैब में आना है और यहाँ विजुअल बेसिक जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ कोड टाइप करना होगा कि हम लोग किसी भी रो पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, इस रो पे क्लिक करने से हम लोगों को रो नंबर चाहिए, इस सेल एड्रेस पे G4 पे रो नंबर चाहिए। जैसे कि अगर हम लोगों ने 2 पे इस लाइन पे क्लिक किया तो इसका रो नंबर हमारा 5 है, तो वो 5 चाहिए। तो ये अगर क्लिक करने से यहाँ चेंज होगा तो इसके लिए हम लोगों को VBA स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पर कुछ कोड लिखना होगा कुछ इस तरीके से, इफ नॉट इंटरसेप्ट। तो ये कोड हम लोग इसलिए लिखना चाह रहे हैं कि अगर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही अगर हम लोग क्लिक करेंगे तब ये रो नंबर क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम इस रेंज से बाहर सेलेक्ट करेंगे तो रो नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को लिखना है इफ नॉट इंटरसेक्ट और यहाँ टारगेट देना है, और इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, रेंज। रेंज हम लोग यहाँ देंगे जिस रेंज के बीच में हमारा डेटा है। तो हम लोग देख रहे हैं C4, हमारा रेंज क्या होगा, C4 से लेकर, और ये दो लाइन तक हम लोगों ने गया था, तो ये हो जाएगा हमारा E7। तो इसी रेंज के बीच में अगर हमारा डेटा है तभी यहाँ पर हम लोग क्लिक करने पर रो नंबर इस सेल पर चेंज होगा, इसके बाहर क्लिक करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये लिखा। अब इसके बाद हम लोगों को ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इज नथिंग देन, और इसके बाद अब क्या होगा, जब उस सेलेक्टेड रेंज पे जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने का जो इवेंट है इसके अकॉर्डिंग हमारा रो नंबर चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ एक कोड लिखेंगे जो कि इस तरीके से होगा, रेंज, यहाँ डबल कोट में हम लोग G4 सेल का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, रो नंबर उसमें चाहते हैं, इसलिए G4 लिखेंगे, और इसके बाद G4 का जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा एक्टिव सेल, जो भी सेल हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे उस एक्टिव सेल के रो के साथ, ये इसका वैल्यू को क्या करना है, रिप्लेस करना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक्टिव सेल डॉट रो। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया और ये हम लोग क्या करेंगे, एंड को क्लोज करेंगे। बस आपको इतना एक छोटा सा कोड लिखना है और इसके बाद इसको आप रन कर दीजिए या फिर आप डायरेक्टली आप यहाँ आ जाइए। अब देखिएगा आपको क्लिक करने पर यहाँ पर रो नंबर क्या होगा, चेंज होगा। क्लिक करने पर अभी हाईलाइट, ये जो अभी चेंजेस हो रहा है जैसे रो हाईलाइट हो रहा है, इसको अभी मत ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि क्या, क्लिक करने पर यहाँ पर रो नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ जैसे अब कौन सा रो में हम लोग, 5 रो पे क्लिक करें, 4। अब जैसे आउटर साइड में हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा, ये रो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इंटरसेक्शन का एक क्या लिखा था, कोड लिखा हुआ था। तो चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना, रो नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना, हाईलाइट करना है। तो इसके लिए इसको सेलेक्ट कीजिए, होम पे जाइए, यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा,
न्यू रूल आपको बनाना। तो मैंने प्रीवियस रूल को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके क्लियर कर देता हूँ और होम पे जाकर वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यूज एन फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेटेड, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक फार्मूला लिखना, और वो फार्मूला क्या होगा, यहाँ इक्वल टू लिखेंगे रो। अब जैसे कि हम लोगों ने इस पर क्लिक किया तो हम लोग किस सेल पर हैं ये जानने के लिए, किस सेल को सेलेक्ट किया गया है, तो जैसे हम लोग मान लीजिए D5 को सेलेक्ट करते हैं, तो D5 को सेलेक्ट करने से हम लोगों को रो का वैल्यू चाहिए D5 का, तो 5 आएगा, तो यहाँ पर रो क्या लिख देंगे D5। ये तो हम लोग शुरू से करना है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे C4, यहाँ पर जाके क्या लिखना है C4। तो ये जो सेल है इस तरीके से लिखने से क्या होगा कि हर एक सेल के साथ कंपैरिजन होगा और हम लोगों को रो का डेटा यहाँ से मिलेगा। अगर ये रो का डेटा, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा D4 पे हम लोगों ने क्लिक किया, तो D4 में रो का जो वैल्यू होगा ये सेल हमको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, तो 4 मिलेगा। अब इसके बाद इसका कंपेरिजन हम लोग किसके साथ करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर है, इस पर क्लिक कर दिया, तो ये फिक्स एड्रेसिंग हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जब दोनों का रो, इस क्लिक किया हुआ सेल का रो से जो वैल्यू यहाँ मिलेगा और हम लोग जिस सेल पर हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेटिंग हम लोग का स्टाइल चूज कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग एक ग्रेडियंट इफेक्ट फिल कर लिए और फॉन्ट का कलर को यहाँ से क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, और ओके करने के बाद ओके करेंगे। तो आप देखिएगा अभी कौन से रो पे क्लिक किया हुआ हम लोगों ने, ये D4 पे क्लिक किया, D4 का जो रो का वैल्यू वो इक्वल हो गया यहाँ के रो का वैल्यू के, तो ये हाईलाइट हो गया। अब हम लोग नीचे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी सेलेक्टेड रो को हाईलाइट कर सकते हैं VBA स्क्रिप्ट के द्वारा।